हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जो अलग अलग फील्ड्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये चीज़ समझ लें कि जब आपकी जो है इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाती तो हमारे माइंड के अंदर जो है बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि कौन सी फील्ड सेलेक्ट करना, कौन सी फील्ड सेलेक्ट करने के बाद उसके अंदर हम कैसा ग्रो होते, कौन सी फील्ड हमारे करियर के लिए अच्छी रहती, किससे हमारा करियर स्टार्ट करे तो अच्छा रहता। ऐसे जो है आपके माइंड में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। अब उन सब डाउट्स को क्लियर करने के लिए सबसे पहले जो है आपको ये चीज़ समझना है कि अपने फील्ड्स कौन से हैं। ठीक है, तो उसके लिए आइए चलते हैं, हम हमारे सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड्स को देखते हैं। ठीक है, अब आपके पास जो है इतने सारे फील्ड्स हैं, डिज़ाइनिंग है, ड्राफ्टिंग है, कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, क्वांटिटी सर्वे, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग है, एग्जीक्यूशन है, क्वालिटी एश्योरेंस है, क्वालिटी कंट्रोल है, जियोटेक है, एनवायरमेंट है, ट्रांसपोर्ट है, इरिगेशन है। ठीक है, अब इन सब टॉपिक्स में से एक एक टॉपिक के बारे में हम सेपरेट सेपरेट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते शुरू करते हैं सबसे पहले डिज़ाइनिंग से। अब डिज़ाइनिंग जो है कौन से भी फील्ड का जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, यानी कि जो आपका प्रोजेक्ट चालू होगा वो सबसे पहले डिज़ाइनिंग से चालू होगा, चाहे वो आर्किटेक्चर हो या स्ट्रक्चरल हो। ठीक है, तो आप स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग के अंदर जो है आपके बिल्डिंग के अंदर जो है उसका लोड एनालिसिस करते हैं, यानी कि आप अपनी बिल्डिंग के अंदर जो है डेड लोड, लाइफ लोड, सीज़मिक लोड, विंड लोड वगैरह असाइन करते हैं और उसको जो है किसी सॉफ्टवेयर के जरिए, स्टार्ट प्रो हो या ईटैब हो, उसके जरिए से जो है आप अपने लोड को, अपने बिल्डिंग के अंदर जो आप लोड असाइन करें उसको जो है एनालाइज करते, फिर उसके रिपोर्ट को स्टडी करने के बाद जो है आप उसके कॉलम्स को, बीम्स को, उसकी फाउंडेशन को जो है रीइंफोर्समेंट उसको असाइन करते कि कौन सी डाया का रीइंफोर्समेंट अगर हम यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, और उसके बाद जो है आपके पास आर्किटेक्चरल वर्क्स है, आर्किटेक्चर डिज़ाइनिंग है, यानी कि इंटीरियर हो या एलिवेशन हो आपकी। ठीक है, आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर एक दूसरे से रिलेटेड है। वो कैसा कि अगर आपका आप एक प्रोजेक्ट बना रहे, बिल्डिंग बना रहे हो, जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, अगर उसके अंदर आप जो है स्ट्रक्चर वर्क तो अच्छा कर दिए, यानी कि फाउंडेशन आपकी बहुत मजबूत है, रीइंफोर्समेंट अच्छा यूज़ कर लिया, आप पूरे अच्छे सेफ्टी प्रिकॉशंस ले लिए, अच्छे से आप स्ट्रक्चर तैयार करें, लेकिन अगर आप उसको जो है एक अच्छा आर्किटेक्चर नहीं दिए, यानी कि एक अच्छा एलिवेशन और उसकी डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग अच्छे से नहीं करे तो आपका प्रोजेक्ट फिर उतना खास नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपका आर्किटेक्चर वर्क और स्ट्रक्चर वर्क दोनों जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, अब आर्किटेक्चर वर्क्स के अंदर जो है आपके फ्लोर प्लान्स बनते हैं, आपके पोजीशनिंग डिसाइड होती है कि कहाँ पर आपका जो है बेडरूम आना है, कहाँ पर किचन आना है, कहाँ पर विंडोज, कहाँ पर डोर्स आना है। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है आर्किटेक्चर वर्क्स के अंदर डिसाइड होती है। अब इसके बाद जो है आपके पास आपकी नेक्स्ट फील्ड है ड्राफ्टिंग। अब ड्राफ्टिंग अब के अंदर क्या होता, अब जो है डिज़ाइनर के पास से जो है आपको पास वैल्यूज आ गई, यानी कि आपके पास इन्फोर्समेंट की डिटेलिंग आ गई, आपके बेडरूम हॉल की पोजीशनिंग आ गई, आपके बेडरूम की आपको साइजेस आ गए, एरिए आ गए। अब ये सब चीज़ों को जो है लेके आपको उतारना है एक पेपर पे हो या सॉफ्टवेयर पे हो। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ड्राफ्टिंग। तो वो ड्राफ्टिंग करने के लिए जो है हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन उसमें जो है सबसे फेमस टूल जो है हमारे पास ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब ऑटोकैड में जो है आपके प्लान्स आराम से बना ले सकते, लेकिन अगर आप ऑटोकैड के बजाय जो है रिविट को भी यूज़ कर सकते, रिविट आर्किटेक्चर और रिविट स्ट्रक्चर को। अब रिविट के अंदर जो है आपको 2D प्लान भी बना सकते, आप 3D प्लान भी बना सकते, फर्नीचर कंपोनेंट्स वगैरह भी असाइन कर सकते, जैसा कि आप हमारे सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल्स में देख रहे हैं रिविट आर्किटेक्चर के। ठीक है, अब मैं आपको जो है रिविट आर्किटेक्चर और ऑटोकैड का डिफरेंस बताता हूँ। आप जो राइट साइड में देख रहे हैं एक ऑटोकैड का प्लान है। ठीक है, अब ये ऑटोकैड के प्लान के अंदर आप देख सकते हैं क्या डिफरेंस है, 2D प्लान है। अब इसको एक्सट्रूड करें तो आपका ये प्लान 3D होता, लेकिन वही आप जो है रिविट के अंदर जो लेफ्ट साइड वाला मॉडल है, ये मॉडल को देख सकते हैं किस तरह रेडी है एकदम, यानी कि दिखने में एकदम रियलिस्टिक है। तो आप जो है 2D प्लान को इस तरह रियलिस्टिक लुक में कन्वर्ट कर सकते हैं रिविट सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, और आप रिविट स्ट्रक्चर के अंदर जो है ऐसा रीइंफोर्समेंट की डिटेलिंग दे सकते हैं, यानी कि आपकी जो है डिटेलिंग के अंदर आप एक भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे। जैसा आपको डिटेलिंग बनाना है आप वैसी डिटेलिंग बना सकते हैं। आपको अगर बेंड्स देना है या आपको ओवरलैप करना है, जो भी चीज़ आप बताना चाह रहे, स्टिरप्स वगैरह, आप हर चीज़ का जो है एक एक सेक्शन बना के आप अलग अलग बता सकते। ठीक है, तो ये था रिविट स्ट्रक्चर के बारे में। अब जो है हमारी नेक्स्ट जो फील्ड है वो है कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपको शॉर्ट एंड स्वीट में बताऊँ तो
हम जब भी एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, चाहे वो कितना बड़ा हो या छोटा हो, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले ही जो है हमें मालूम हो जाता है कि प्रोजेक्ट कब ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो वो ऐसे मालूम होता है कि हम जो है किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को, चाहे माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट हो, MSP या प्राइमावेरा, ज़्यादातर तो प्राइमावेरा ही यूज़ होता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर को यूज़ करके जो है हम उसके अंदर शेड्यूल्स बनाते हैं, यानी कि अब फाउंडेशन डाल रहे कल, तो फाउंडेशन के लिए कितने दिन लगने वाले हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कौन सा है आपका, नेक कॉलम, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, उसको कितने दिन लगने वाले हैं, आप स्लैब कौन सी डेट पे डालने वाले हैं, उसके लिए कितने लेबर्स वगैरह चाहिए, कितना मटेरियल चाहिए, ये सब जो है आप इसके अंदर इसके शेड्यूल्स बनाते हैं। तो ये सब शेड्यूल्स जब आप प्रिपेयर करेंगे तो आपको एक लास्ट में डेट आएगी पूरे आप डेट्स ऐड कर देने के बाद कि भाई जो हमारा प्रोजेक्ट जो है ये दिन कम्प्लीट होने वाला है, ठीक है। अब ये आप जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्राइमावेरा से कर सकते हैं या माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो है आपके पास नेक्स्ट फील्ड है आपकी क्वांटिटी सर्वे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। अब ये फील्ड के अंदर ये हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट फील्ड है क्योंकि हमारा पूरा प्रोजेक्ट का बजट जो है इसके ऊपर ही डिपेंड रहता, ठीक है। अब आपके प्रोजेक्ट को कितना मटेरियल है, फर्स्ट आप इसके अंदर क्या करते हैं कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर कितना मटेरियल लगने वाला है वो आप जो है एस्टिमेट करते हैं, क्या वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट हो, शटरिंग एरिया हो, बिटुमेन पेंट एरिया हो, चाहे आपको जो है रीइंफोर्समेंट के कैलकुलेशंस हो कि रीइंफोर्समेंट कितना लगने वाला है और आपके टाइल्स कितने लगने वाले हैं, आपको फॉल सीलिंग का एरिया क्या है, पेंट का एरिया क्या है, प्लास्टरिंग, ब्रिक वर्क कैलकुलेशंस, ये सब चीज़ें जो है आपको क्वांटिटी सर्वे के अंदर होती। अब क्वांटिटी सर्वे में आप जो है सिर्फ क्वांटिटीज को एस्टिमेट कर सकते हैं, अब आप उसको एक्चुअल प्राइस अप्लाई करना है कॉस्टिंग, तो आपके लिए सबसे पहले जो है आपके पास स्पेसिफिकेशंस होना ज़रूरी है कि आप कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, कौन सी कंपनी का यूज़ कर रहे हैं, फिर उसका करंट प्राइस क्या है। जब ये दो चीज़ें आपके पास होंगी, स्पेसिफिकेशंस और करंट प्राइस, तो जब ही जो है आप एक परफेक्ट एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग कर सकते, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और क्वांटिटी सर्वे ये दोनों जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि आप जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर कैश फ्लो रिपोर्ट्स जो बनाते हैं, यानी कि कौन से दिन कितना कॉस्ट हुआ, पर वीक का कॉस्ट हो या पर मंथ कॉस्ट हो, कितना पैसे जा रहे, कितने पैसे आ रहे, जो आप रिपोर्ट्स बनाते वो आप क्वांटिटी सर्वे से ही जो है लेते, ठीक है। अब उसके बाद जो है आपकी नेक्स्ट फील्ड है एग्जीक्यूशन। अब ये जो एग्जीक्यूशन जो हमारी फील्ड है, यानी कि जब हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो हमारी साइट इंजीनियरिंग, जो साइट पे काम करते हैं हम उसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन। अब जो भी डिज़ाइनर हमारे वैल्यूज या जो रेफरेंस हमारे ड्राइंग्स आई, जो हमारे पास प्लानिंग के जो रिपोर्ट्स आए, प्लानिंग के जो डाटा है हमारे, उन सब चीज़ों को लेके जो है हमारे एग्जीक्यूट करना है, हमारे को काम करना है साइट पे। अब ये जो एग्जीक्यूशन है ये बिल्कुल पूरा हमारा प्रैक्टिकल रियल टाइम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है। अब जब हम एग्जीक्यूशन में रहेंगे तो हमारे जो है कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना पड़ता। अब आप जब प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको प्रोजेक्ट में आर्किटेक्चर वर्क्स भी रहेगा, स्ट्रक्चरल वर्क्स भी है, सर्विसेज भी है। अब सर्विसेज में आपको HVAC है, इलेक्ट्रिकल सर्विसेज है, फिर उसके बाद जो है आपको वाटर सप्लाई है, प्लम्बिंग है, सैनिटेशन है, फिर BMS है आपको, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स का, ये सब सारी चीज़ों को जो है आपको एक साथ लेके काम करना रहता। मैं ये नहीं बोलूँ कि सब काम आपको जो है अकेले करना पड़ता, लेकिन उन सब इंजीनियर्स के साथ जो है आपको कोऑर्डिनेट करने आना, यानी कि आप उन सब के ड्राइंग्स को समझ सकने वाले बनना, तो जब भी क्या है आप आसानी के साथ काम कर सकते। ऐसा नहीं है कि मैं सिविल का हूँ तो मैं खाली सिविल का नॉलेज रखना है, नहीं, बल्कि आपको मिनिमम थोड़ा सा नॉलेज तो दूसरे सर्विसेज के बारे में भी रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपके किसी स्लैब में जो है आपको HVAC के वास्ते ओपनिंग देना पड़ता, तो ओपनिंग कैसी देना, कितनी साइज की देना और कहाँ दिए तो अच्छा रहता, वो समझने के वास्ते आपको अगर थोड़ा सा आइडिया है आपको कोऑर्डिनेशन का तो आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। और अगर आप एग्जीक्यूशन सही कर रहे हैं तो आपको बार बार जो है रिपीटेटिव वर्क्स नहीं होते, यानी कि कभी आप गलत कर दिए फिर उसको बीम को तोड़ो फिर से उसको बनाओ, ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप सही एग्जीक्यूट कर रहे, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको, अब जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दूँ, अब आप एक मिनिमम एक अगर रोड का भी काम कर रहे हैं तो आप रोड का काम करेंगे तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता कि रोड का काम में तो जो है सिर्फ और सिर्फ सिविल इंजीनियर्स ही इन्वॉल्व है, लेकिन रोड के नीचे से जो है आपको वाटर सप्लाई की लाइन रहती, प्लम्बिंग की लाइन रहती, आपको जो है इंटरनेट की लाइन रहती, फिर उसके बाद टेलीफोन लाइन रहती, ठीक है। तो इतने सारी चीज़ें आपके रोड के नीचे से जाती, अगर आप उन सब के कोऑर्डिनेशन के साथ काम नहीं करें
तो आपको जो है आपकी रोड जो है बार बार टूटते रहती, कभी जो है वाटर सप्लाई के वास्ते, कभी प्लम्बिंग के वास्ते, कभी इंटरनेट सप्लाई के वास्ते। तो इसलिए क्या है, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना बहुत जरूरी है। तो आप एग्जीक्यूशन के अंदर जो है जब भी नॉलेज हासिल करें, कोऑर्डिनेशन के साथ हासिल करें कि दूसरों का वर्क भी कैसा रहता है, उसमें भी नॉलेज ले, ठीक है। अब उसके बाद जो है आपके पास नेक्स्ट है क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल। अब क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर जो है आप क्या करते हैं, आप अपने क्वालिटी के वास्ते गाइडलाइंस डिसाइड करते हैं कि यानी कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर कौन से क्वालिटी, कैसी क्वालिटी मेंटेन करना है, वो जो है आप उसकी रिपोर्ट्स बनाते हैं कि आप मेरे को कौन से कोड्स फॉलो करना है, कैसे चीज़ स्पेसिफिकेशंस फॉलो करना है, वो सब जो है आप क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर डिसाइड करते हैं। फिर उसके बाद अब क्वालिटी कंट्रोल वाले का काम ये है कि जो भी प्लानिंग क्वालिटी मेंटेनेंस के लिए आई है क्वालिटी एश्योरेंस के पास से, वो क्वालिटीज को मेंटेन करना है। अब जैसा कि आप शटरिंग कर रहे हैं, शटरिंग के अंदर जो है क्वालिटी कंट्रोल वाले का काम क्या है कि भाई सही उसके शटरिंग के ऊपर जो है ऑयलिंग वगैरह हुई नहीं हुई वो चेक करना है, स्क्रूज वगैरह सब टाइट है या नहीं है, उसकी पोजीशनिंग सही है नहीं है, जैक्स बराबर टाइट है नहीं है, तो ये सब चीज़ें जो है क्वालिटी कंट्रोल के अंदर आती। यानी कि एक प्रोजेक्ट की पूरी क्वालिटी जो है क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल पर डिपेंड रहती। एक अच्छे आउटपुट के लिए जो है आपको ये दो चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है, बगैर क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस के आपका कोई भी प्रोजेक्ट जो है अच्छा तैयार नहीं होता, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो है आपके सामने आपके तकरीबन सारे फील्ड्स आ गए कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, ठीक है। अब इसमें से जो है आप कौन सी फील्ड सेलेक्ट करें तो अच्छा रहता, ठीक है। अब वो समझने के लिए मैं जाऊंगा फिर से जो है हमारी पहली वाली साइट पर, यानी कि जो हमारी डिपार्टमेंट्स से अलग अलग, मैं उसमें जो है आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो है हमारे फिर से अलग अलग फील्ड्स वाले पेज पे आ गए हम। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट वाली फील्ड डिज़ाइनिंग है। अगर आप आपकी सिविल इंजीनियरिंग बी टेक या बी ई कम्प्लीट करने के बाद डिज़ाइनिंग में जाना चाह रहे तो मेरा सजेशन आपके वास्ते ये रहता कि आप जो है अपने करियर की स्टार्ट जो डिज़ाइनिंग से ना करें। अगर सपोज फिर भी आप डिज़ाइनिंग से करना चाह रहे हैं तो आप क्या करें, सबसे पहले जो है किसी भी कॉलेज में जो है मास्टर्स के लिए एडमिशन ले लिए और एक अच्छे से स्ट्रक्चर इंजीनियर के पास एज ए ग्रेजुएट ट्रेनी जो है आप उसके पास काम करना चालू कर दें, ठीक है। और उसके बाद आपके पास ड्राफ्टिंग है। अब ड्राफ्टिंग जो है तकरीबन सिविल इंजीनियर्स तो यूज़ नहीं करते, लेकिन फिर भी आपको अगर आप ड्राफ्टिंग पार्ट में जाना चाह रहे हैं तो आप जो है रिविट के थ्रू कर सकते हैं। उसमें जो रिविट सॉफ्टवेयर के अंदर जो है आपको अच्छा सा स्कोप है, और ऑटो कैड तो जो है हमारा बेसिक है, विदाउट ऑटो कैड तो एक सिविल इंजीनियरिंग कम्प्लीट नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद जो है कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। अब कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है, अब आपके आपको जो है इसके अंदर शेड्यूल्स बनाना रहता, रिपोर्ट्स बनाना रहता। अब ये काम जो है आप बगैर एक्सपीरियंस के नहीं कर सकते, प्लानिंग वाला काम जब तक आपको ये मालूम नहीं है कि भाई स्लैब को जो है क्यूरिंग के लिए कितना टाइम लगता, फिर स्लैब को जो है कब शटरिंग निकालना है, तो आपको उसको फिर रिपोर्ट उसकी कैसा बना सकते, ठीक है। तो इसके लिए जो है आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, तो आप जो है आपकी करियर जो है इसमें स्टार्ट ना करें, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आपको है क्वांटिटी सर्वे एस्टिमेशन कॉस्टिंग। इसमें जो है आप ऐसे फ्रेशर अपने करियर को स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर आप साइट पे भी काम कर रहे हैं एग्जीक्यूशन पे तो भी आपको जो है क्वांटिटी सर्वे काम आएगा, यानी कि आपको क्वांटिटीज निकालना है, बीओक्यूज बनाना है, मटेरियल सबमिटल बनाना है, तो आप एस्टिमेशन कॉस्टिंग के थ्रू बना सकते हैं। नहीं आप प्योर क्वांटिटी सर्वे के ऐसा काम कर रहे हैं तो आप वो उसमें भी अपना करियर का स्टार्ट कर सकते हैं और आप इसमें अच्छा भी ग्रो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वाला ऑप्शन है आपको एग्जीक्यूशन। अब एग्जीक्यूशन वाला ऑप्शन यानी कि एज ए साइट इंजीनियर, साइट इंजीनियर तो हम बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट काम ही हमारा वही है, यानी कि हम आज जब भी हमारा करियर का स्टार्ट करेंगे, मेरी ओपिनियन ये है कि आप जो है साइट इंजीनियरिंग से स्टार्ट करें। लेकिन आपको अगर साइट इंजीनियरिंग से स्टार्ट करना है तो आपको तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है, एक तो आपको ड्राइंग रीडिंग आना, ठीक है, आपको जो है बी ओ क्यूज बनाने आना यानी कि क्वांटिटीज एस्टिमेट करने आना, तीसरा जो है साइट के बारे में प्रोसीजर ऑफ वर्क यानी कि वर्क सीक्वेंस ऑफ वर्क जो है आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। तो और उसके बाद जो है आपके पास है क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल। अब ये फील्ड्स अगर आपको समझना है, सीखना है, तो आप जो है किसी भी जो है इंडस्ट्रीज में जाके, किसी भी बड़े बड़े फैक्ट्रीज में जाके इसके टेस्ट वगैरह को समझें, उसके बाद जो है अपने करियर की इसमें स्टार्ट करें, ठीक है फ्रेंड्स। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में जो है हमारे नंबर्स दिए गए हैं, हमारा ईमेल भी दिया गया है, आप उसके जो है थ्रू हमें मेल करें, अपने क्वायरीज को लिखें, हम जल्द से जल्द जो है आपको इसका रिप्लाई देंगे।
ठीक है। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया तो इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आपके करियर के लिए जो है बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।